हेलो एवरीवन, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू 3D लर्निंग एकेडमी एंड मॉक जोन। सो गाइस, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र सीटी एग्जाम, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्री मॉक दैट वी आर प्रोवाइडिंग। सो गाइस, महाराष्ट्र सीटी का भी नोटिफिकेशन आया था, उसमें उन्होंने अपडेट किया था कि इस बार जो टाइमिंग है टेस्ट की वो चेंज करके 120 मिनट्स कर दी गई है। पहले 150 मिनट्स थी, ठीक है, 2.5 घंटा मिलता था, पहले अब 2 घंटा मिलेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, 200 क्वेश्चन हैं, सेक्शन वही हैं। तो गाइस, अब काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि क्या करें, टाइम और कम हो गया तो कैसे क्या मैनेज होगा। अभी इतना कम टाइम लगता था हम लोग, इतना कम टाइम मिलता था हम लोगों को, 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन भी करना बहुत मुश्किल था, अब तो 2 घंटे हो गया है। तो वही है कि हो सकता है पेपर ईजी आए और हो सकता है कट ऑफ तो कम जाएगा ही जाएगा। कट ऑफ 145 जाना बहुत मुश्किल है, मतलब उतना तो जा ही नहीं सकता, कट ऑफ कम जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे जो मेरा मोटिव है, हम लोग एक फ्री मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक जोन महाराष्ट्र सीटी का, और वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होगा 120 मिनट्स पे। तो उसका वीडियो है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको जाना है फ्री मॉक के लिए। तो गाइस, आपको ये वेबसाइट में आ जाना हम लोगों की, www.mockzone.in/CET, ठीक है, या फिर ऐसे भी अगर जाओ तब भी आ जाएगा। यहाँ पे आप आना फ्री मॉक टेस्ट में, ये फ्री MBA CET, यहाँ क्लिक कर लेना, ठीक है। mockzone.in में भी आओ तब भी कर सकते हो, mockzone.in/CET में आओ तो यार पेज जो दिख रहा है वही दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप आना, फिर उसके बाद यहाँ पे आके आप फ्री मॉक में क्लिक करना। अगर इस पेज में आते हो फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा न्यू, उसके बाद यू कैन स्टार्ट द टेस्ट। 2 घंटे का पेपर है, हम लोगों ने जो कट ऑफ रखा हुआ है अपने मॉक का वो 113 रखा हुआ है, 113 आउट ऑफ 200 अगर ले आओगे आप तो चांस आपका अच्छा होगा। पहले कट ऑफ रखा था 144 JBIMS का, ठीक है, क्योंकि अब टाइमिंग कम कर दी गया है तो 30 मिनट बहुत होते हैं, 30 मिनट में अगर एक बंदा ढंग से करें तो काफ़ी अच्छा मैक्सिमाइज कर सकता है इसको, ठीक है। तो कट ऑफ 113 से 115 के अराउंड एक्सपेक्टेड है, हम लोग के जो मॉक है उसका कट ऑफ 113 है, ठीक है। तो अब ये लगा है, मॉक देखे देखो आपको आइडिया लगेगा कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। एंड अब मॉक्स भी आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे क्योंकि टाइम कम हो गया, तो स्पीड ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और ऑब्वियसली बात है मॉक्स ज़्यादा लेते थे आप। तो दोज वो लुकिंग फॉर मॉक्स, यू कैन चेक अवर मॉक्स, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, 12 फुल लेंथ CET मॉक्स हैं, 4 लेयर इन डेप्थ एनालिसिस। द बेस्ट थिंग अबाउट अवर मॉक्स इज आपको टफ सोल्यूशन, टफ पजल्स के लिए वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। हर एग्जाम में, हर एक मॉक में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 सेट्स आते हैं जो बहुत टफ होते हैं, उनका हम लोग वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको एनालिसिस पार्ट में दिख जाएगा वो, ठीक है। बाकी तो परसेंटाइल, लीडर बोर्ड रहेंगे, सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो आप पहले फ्री मॉक देके देखो, उसके बाद यू कैन डिसाइड व्हाट यू विल डू, ठीक है। जो लोग वाकई JBIMS की तैयारी करते हैं और जाना होता है तो वो लोग काफ़ी मॉक देते हैं। आइडियल नंबर ऑफ मॉक्स जो मैं मानता हूँ 30+ होने चाहिए, 30+ मॉक देने चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड वेस्ट है। आप तो गए क्योंकि 2 घंटे का पेपर होगा तो आपको काफ़ी मॉक देने चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वाकई एक टॉप में आना बहुत मुश्किल है। 99 मतलब जो बाहर का है JBIMS ट्राई कर रहा है उसके लिए तो मतलब बहुत करना पड़ेगा आपको ढंग से, मतलब मॉक्स ही सब कुछ है, ठीक है। तो वही होते हैं, कुछ एग्जाम्स में मॉक्स होते हैं, कुछ एग्जाम में नॉलेज मेन होती है, यहाँ पे मॉक्स का ही मेन रोल है क्योंकि टाइम कम है, काम ज़्यादा है, ठीक है। टेस्ट तो गाइस, ये कुछ रिव्यूज़ हैं, यू कैन चेक द रिव्यूज़। हम लोग के CET के मॉक्स अभी उन्होंने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया था, तो CET का भी कम लोगों ने दिया है, एमनेट स्टैम्प वगैरह का ज़्यादा लोग दे रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल पास में है। CET का एग्ज़ाम भी लेट होने वाला शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कुछ रिव्यूज़, जितने भी मॉक्स में लोगों ने दिए, चाहे YFT हो, चाहे एनमेट हो, चाहे स्नैप हो, चाहे टेस्ट हो, सबके रिव्यूज़ अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। यार आपको देख सकते हो, ये बीच वाला आपको IFT दिख रहा होगा, बाकी स्नैप एनमेट वगैरह के हैं, मेनली भी एनमेट स्नैप ही हुए हैं, और तो भी एग्जाम से बचे हुए हैं काफ़ी, ठीक है। तो आप फ्री मॉक देखे देखोगे तो यार वीडियो को आप शेयर करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात और है, 27th तक हम लोग का एक कॉम्बो ऑफर है। कॉम्बो ऑफर बेसिकली हमारा है ये क्रिसमस का ऑफर, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिसमस का ऑफर कौन सा है, ठीक है, यू कैन चेक दैट। हाँ, क्रिएट योर ओन पैक, ये आपका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इन द सेंस कुछ टाइप हो गया, आ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पिक N2 पिक N3 वाले काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसिंग मिल जाएंगे। जैसे आप CET ले रहे हो खाली, ऐसे देखो आप 12 CET आप ले रहे हो 999 के, CET के साथ अगर स्नैप भी ले लोगे, एनमैट या कोई भी ले लोगे तो 1599 पड़ेगा, ऐसे पिक N3 का 2199 पड़ेगा। ये टॉपिक टेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बूस्टर होते हैं स्कोर, ये 1299 का है बस, ये आप किसी साथ भी ले सकते हैं। जैसे आप CET प्लस टॉपिक टेस्ट लेते हो तो आपको 1599 का ही पड़ेगा खाली, ठीक है। तो ये है, ये 27 तक ही वैलिड है, काफ़ी लोगों को नहीं पता कुछ बता दी मैंने। चलो गाइस, दिस वाज द वीडियो। एक इंपॉर्टेंट काम गाइस कर लेना आप, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना महाराष्ट्र CET का, ठीक है। 1200 बच्चे उसमें हैं अभी, और काफ़ी बच्चे ऐड होंगे तो हम लोग काफ़ी डिस्कशन एंड प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि डेली वीडियोज़ बनने वाले हैं CET पे, CET का अलग चैनल बन जाएगा,
मैंने स्नैप के पर कम से कम 25 से 30 वीडियो बना दी हैं, उसी तरह सी डी पे वीडियो बनने वाले हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर करो। ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना यहाँ पे आके, ठीक है, नीचे लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का और यहाँ वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।